अमेरिका का ये साइकोपैथ था एक डॉक्टर जिसके इलाज इतने अजीबोगरीब हुआ करते थे कि एक मरीज के तो बट होल में उसने दही डाल दिया था और उसे पर मिनट 14 लीटर पानी फेंकने वाले एक ट्यूब के ऊपर खड़ा कर दिया। और उसे बीमारी क्या थी, यू मे आस्क? वेल, उस बेचारे का पेट खराब था। इस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर जॉन केलॉग और उसे नफरत थी बस दो चीजों से, सेक्स और मैस्टरबेशन। इतनी नफरत कि उसने खुद 37 की उम्र में अपने आप को सर्कमसाइज कर दिया था, वो भी विदाउट एनेस्थीजिया। वेल फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और डॉक्टर केलॉग जितने भी सन की डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन आज उनके वजह से केलॉग्स जैसी एक मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी हो चुकी है। और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स के अलावा भी कुकीज, टोस्टर्स, पेस्ट्रीज, क्रैकर्स, ये सब भी सक्सेसफुली बेचता है। और ये सब, आई रिपीट, डॉक्टर जॉन की एक गलती के वजह से था। सो फ्रेंड्स, क्वाइट वियर्डली डॉक्टर जॉन का ये मानना था कि मास्टरबेशन करने से इंसान को 39 किस्म की बीमारियां होती है, जैसे फॉर एग्जांपल उनका आईसाइट वीक हो जाता है, याददाश्त खोने की बीमारी होती है, और यहां तक कि ज्यादा मास्टरबेशन करने से इंसान पागल तक हो जाता है। रही बात सेक्स की, तो सेक्स उनके हिसाब से सिर्फ तभी करना चाहिए जब इंसान को बच्चा पैदा करना हो। बेसिकली किसी भी किस्म का सेक्सुअल प्लेजर डॉक्टर जॉन की नजरों में एक घोर पाप था। और इस पाप से अमेरिका को बचाने के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना बायोलॉजिकल लिविंग मूवमेंट। इस मूवमेंट का मेन फोकस था दो चीजों पर, नंबर वन सख्त डाइट एंड नंबर टू, एज यू गेस्ड इट, नो सेक्सुअल एक्टिविटी। अब इस पूरे मूवमेंट का घर था जॉन की हेल्थ एंड वेलनेस फैसिलिटी, बैटल क्रीक सैनिटेरियम। अब ये सैनिटेरियम असल में एक हॉस्पिटल कम और स्पा ज्यादा था, जहां पर यूएस के एक्स प्रेसिडेंट से लेकर थॉमस एडिसन तक सब रेगुलर विजिटर्स थे। इनफैक्ट इस टाइम तक तो सिर्फ सैनिटेरियम ही नहीं बल्कि डॉक्टर जॉन भी खुद इतने पॉपुलर हो गए थे कि यूएस के बाकी डॉक्टर्स भी उनके अजीबोगरीब तकनीकियों पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे थे। एक बार 1868 में तो जब एक 53 इयर्स की औरत एनल फिशर्स की ट्रीटमेंट के लिए किसी डॉक्टर के पास गई थी, तो उस डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान बिना उस लेडी से पूछे उसका क्लिटोरिस भी काट डाला, क्योंकि उस सर्जन ने डॉक्टर जॉन की थियरी से ही अज्यूम कर लिया था कि पेशेंट के फिशर्स की एक्चुअल जड़ उसकी मास्टरबेशन की आदत होती है। अब इसका इलाज इस केस में सिर्फ एक ही था, क्लिटोरिस काट डालो। वेल फ्रेंड्स, यहां पर गौर करने वाली बात यह थी कि डॉक्टर्स बीमारी की दवाई देते हैं, बट डॉक्टर जॉन बीमारी की पनिशमेंट देते थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर लोग अपने जेनिटल्स को दर्द से एसोसिएट करने लगे तो मास्टरबेशन का ख्याल उनके दिमाग में आएगा ही नहीं, और इसीलिए मास्टरबेट करने वाली लड़कियों का अपेरेंट क्योर उनके हिसाब से था सर्कमसिजन। और अगर उसके बाद भी वो नहीं माने तो अल्टीमेट सोल्यूशन था उनके जेनिटल्स पर कार्बोलिक एसिड डाल देना। और अगर इतने में आपके होश अभी तक उड़े नहीं तो जरा ये भी सुनो कि वो लड़कों के साथ क्या करते थे। वेल, सबसे पहले तो उनके हाथ बांध देना, और अगर इस चीज से भी बात नहीं बनी तो उनके जेनिटल्स पर बैंडेज लगाकर उसे केज कर देना। इससे भी अगर काम नहीं बना तो नेक्स्ट स्टेप था सर्कमसिजन। एंड माइंड यू, ये सब कुछ होता था बिना एनेस्थीजिया के, जिससे कि वो पेन को एक्सपीरियंस कर सके। अब रही बात बच्चों की, तो जो कुछ भी डॉक्टर जॉन पेरेंट्स को बोलते थे अपने बच्चों पर ट्राई करने के लिए, वो सीधा सीधा उनका अब्यूज था, उनका शोषण था। और इसीलिए ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में बात भी नहीं करना है। अब समझ गए होंगे कि किस दिशा में उनका ट्रीटमेंट जाता होगा, क्योंकि आपको पता ही है डॉक्टर की बेसिक मानसिकता क्या थी। अब ये सब के अलावा डॉक्टर जॉन एक चीज के बहुत ही पैशनेट थे, और वो था अमेरिकन्स को फिट एंड फाइन रखना। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि अमेरिकन्स उस टाइम पर ब्रेकफास्ट में मीट, आलू, केक जैसी चीजें खाते थे। अब ये सब खाने से उनका डाइजेशन खराब रहा करता था, और डॉक्टर जॉन के हिसाब से ये खाना उन्हें सेक्सुअली अराउज करता था। तो जॉन ने ये डिसाइड किया कि वो वीट, ओट्स और कॉर्नमील को मिलाकर एक हेल्दी मगर टेस्टलेस बिस्किट बनाएंगे जो लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के तौर पर खा सके। इसके बाद उन्होंने ऐसे एक बिस्किट बनाया भी जिसे उनके मरीज ने खाया तो उसके दांत टूट गए। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि आज के तारीख में मिलने वाले ये थिन, क्रिस्पी और टेस्टी कॉर्नफ्लेक्स बने कैसे फिर? Well, and the answer is, गलती से। So, एक दिन जॉन के छोटे भाई विल, जो जॉन की मदद करते थे, उन्होंने बिस्किट का डो यानी कि आटा गलती से रात भर के लिए बाहर छोड़ दिया। अब ऑब्वियसली सुबह तक वो फर्मेंट हो गया। नेवरदलेस विल ने अगली सुबह बिस्किट बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर उसने ये देखा कि उनके बिस्किट्स के हार्ड होने की जगह अब उस आटे से थिन फ्लेक्स बनने लग गए थे। वेल, इस चीज से इंप्रेस होकर कुछ वर्दी बनाने के होप में वो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चलाते चलाते उन्होंने वीट को रिप्लेस कर दिया कौन से, और बना डाला दुनिया का पहला
कॉर्नफ्लेक्स। अब जब इन एक्सपेरिमेंट से कुछ बेहतर बन ही गया था तो विल ने सोचा क्यों ना इसमें चीनी डाल के उसे और टेस्टी बना के मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए। अब जाहिर सी बात है जॉन तो ठहरे एकदम फिटनेस फ्रीक, वो इसके बिल्कुल खिलाफ हो गए और फिर इन दोनों भाइयों के बीच में बहुत झगड़े हुए और बात कोर्ट केसेस तक पहुंच गई। एनीवे लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट रखते हैं, डॉक्टर जॉन के भाई विल ने 1906 में बैटल क्रीक टोस्टेड कॉर्नफ्लेक्स नाम की कंपनी खोल ली अपने भाई से अलग होकर और बस यहीं से शुरू हो गई केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स की 44 से 3 लाख एम्प्लॉइज तक ग्रो होने की कहानी। अब जाहिर सी बात थी अपने भाई से सेपरेट होने के बाद कंपनी काफी छोटी थी, लेकिन विल ने काफी स्मार्टली अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए कई सारे स्ट्रेटजीज बिठाने शुरू कर दिए, जिसमें से एक था द विंक स्ट्रेटजी। बेसिकली बॉक्स पर लिखा होता था कि ग्रोसर को आंख मारो और देखो आपको क्या मिलता है, और हर वो इंसान जो आंख मारता था उसे एक सीरियल का बॉक्स फ्री मिल जाता था। सो इस स्ट्रेटजी ने अल्टीमेटली एक सैंपल टेस्टिंग के गुडविल को जनरेट करना शुरू कर दिया और इंस्टेंटली लोग केलॉग्स को पसंद भी करने लग गए क्योंकि इस मेमोरेबल तरीके से केलॉग्स की मार्केटिंग होने लगी। इसके अलावा केलॉग्स काफी स्ट्रेटेजिकली अपने आप को एक क्विक ब्रेकफास्ट ऑप्शन की तरफ ब्रांड करने लग गया क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका मार्केट अमेरिका एक बिजी और इंडस्ट्रियलाइज्ड मार्केट है। उन्होंने लोगों को बताया कि आपको घंटों पहले उठकर ब्रेकफास्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि केलॉग्स तो 2 मिनट में ही बन जाता है, और इसीलिए केलॉग्स बन गया अमेरिका का पहला रेडी टू मेक ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट। इसके बाद स्ट्रेटेजिकली केलॉग्स कुछ ही सालों में पूरे अमेरिका का ब्रेकफास्ट फूड बन गया, पर इतना काफी नहीं था, केलॉग्स को ग्लोबली भी अपना सिक्का जमाना था और ये उसने किया अपनी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी से। आपने ये नोटिस किया होगा कि केलॉग्स हमेशा खुद को एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरह ब्रांड करता है, तो इसी ब्रांड इमेज को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए केलॉग्स खुद को स्पोर्ट्स इवेंट्स जैसे कि स्विमिंग वगैरह के साथ भी एसोसिएट करने लगा। इनफैक्ट हर साल केलॉग्स 1.8 मिलियन स्विमर्स को आज तक अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते आया है, जिसकी वजह से केलॉग्स का नाम आते ही सबकॉन्शियसली लोग उसे एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ एसोसिएट करने लगे। नंबर 4, कंज्यूमर बिहेवियर। इसके अलावा केलॉग्स कंपनी की एक और एक खासियत है, ये लोग कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत ही क्लोजली स्टडी करते हैं और अकॉर्डिंगली एडवर्टाइजमेंट्स पर फोकस करते हैं। जैसे मान लो यूके में ज्यादातर लोग सीरियल्स ही खाते हैं तो वहां पर केलॉग्स खुद को कंपीटिंग ब्रांड से बेटर ऑप्शन बताएगा। सिमिलरली फ्रांस में जहां पर लोग ब्रेकफास्ट में कॉफी लेते हैं, वहां केलॉग्स कस्टमर्स को कैफीन फ्री ब्रेकफास्ट लेने के लिए कन्विंस करेगा, और ये स्ट्रेटजी इनके लिए काफी फ्रूटफुल भी साबित हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट इन इंडिया। व्हिच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट। 1994 में जब केलॉग्स इंडिया में आया था तब उसने देखा कि लोग यहाँ पर पराठा, वड़ा पाव और मेंदू वड़े जैसे फ्राइड ब्रेकफास्ट खाते हैं, तो उसने एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया कि इंडियन ब्रेकफास्ट ऑयली, फैटी और अनहेल्दी होता है और लोगों को तो लाइट और न्यूट्रिशियस कॉर्नफ्लेक्स खाना चाहिए। अब आप ही सोचो अगर कोई कंपनी आके भारत में ये बोले कि हमारा सदियों पुराना कल्चर और उससे जुड़ी हुई फूड हैबिट्स अनहेल्दी होती है तो क्या वो भारत में टिक पाएगा? बस फिर क्या था, एक अमेरिकन कंपनी जो इंडिया आई थी इंडियंस को सही गलत सिखाने के लिए, वो भारत में एक साल बाद बस सिर्फ 0.01% मार्केट शेयर ही कैपिटलाइज कर पाई। उनका टारगेट था 2%, जो अगर वो कैप्चर कर लेते तो वो यूएस से भी ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से कमाते, बट ऑब्वियसली इट फेल्ड बैडली। इस फेलियर के पीछे एक और एक रीजन था, वो था केलॉग्स की इंडिया में कीमत। जहाँ पर इंडिया में ब्रेकफास्ट इडली, पूरी सब्जी एक्सेट्रा की कीमत मैक्स टू मैक्स 5 से 7 रुपया हुआ करती थी, वहीं पर 450 ग्राम केलॉग्स की कीमत थी 63 रुपीज। और अगर ये सब के अलावा कोई कस्टमर केलॉग्स खरीद भी लेता तो उसका एक्सपीरियंस भी उतना ही खराब होता क्योंकि कोई उसे वापस से दोबारा परचेज करने के लिए नहीं आता। और इसके पीछे रीजन ये थी कि इंडियंस की आदत थी गर्म दूध पीने की, और जब वो गर्म दूध में कॉर्नफ्लेक्स को डालते तो वो सौगी होकर हलवा जैसा बन जाता, और अगर ठंडे दूध की बात करें तो ठंडे दूध में कॉर्नफ्लेक्स किसी को पसंद नहीं आया उसके एकदम प्लेन टेस्ट की वजह से, और अगर कोई ठंडे दूध में चीनी मिलाए तो जैसे आपको पता है चीनी डिसॉल्व ही नहीं होगी। सो ऑल इन ऑल इंडियंस को केलॉग्स कैसे भी करके नहीं जम रहा था, इट फेल्ड टू सूट कंज्यूमर्स टेस्ट। केलॉग्स का ऐसा हाल हो गया था जैसे इंडिया में अनपैक करने से पहले उसका वापस जाने का टाइम आ गया, बट केलॉग्स ने फिर भी हार नहीं मानी और वापस इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने लगे। हर एक फीडबैक पर वो नजर रखते और काम करते उसे सुधारने की। सबसे पहले तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट में चेंजेस किए, जैसे व्हीट और बासमती राइस के थिन फ्लेक्स को रिप्लेस करके फ्रॉस्टीज में बदल दिया, जिसमें उन्होंने शुगर को भी ऐड कर दिया। सो अब वो जल्दी गलता भी नहीं था और मीठा भी लगता था खाने में। इसके अलावा बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए
अलग से केलॉग्स चौकोस और उसके फ्रूटी फ्लेवर्स उसने मार्केट में लॉन्च कर दिए, सब कुछ इंडियन टेस्ट बड्स और इंडियन कल्चर को ध्यान में रखते हुए। इनफैक्ट ये अपग्रेड तो आज तक चालू है और इसका नतीजा है ये केलॉग्स उपमा। रिसर्च में केलॉग्स को ये भी मालूम पड़ा कि इंडिया में लोगों में आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की भी प्रॉब्लम है, एंड अगेन उसने वेरी स्मार्टली अपनी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी को उधर भी फोकस कर दिया, ये बोल के कि हमें केलॉग्स में आयरन शक्ति और कैल्शियम शक्ति ये दोनों भी मिलेगी। और इमेज को और भी पॉजिटिव लाइट में ब्रांड करने के लिए कंपनी ने एड्स में फेमस सेलिब्रिटीज के थ्रू केलॉग्स को एक हेल्दी चॉइस बताना भी शुरू कर दिया। सो ये थे कुछ एड्स जो केलॉग्स ने ब्रांड बिल्डिंग के लिए लॉन्च किए थे। पोषण भी कुछ मिला, ढूंढ रहा हूँ। केलॉग्स चॉकोस, पौष्टिक खिलाओ, डोंट छुपाओ। प्लैनेट्स एंड स्टार्स, अब हर शाम एक नया टेस्ट, एक नई मस्ती। केलॉग्स 10 रुपए पैक। अब रही बात प्राइस की, तो केलॉग्स ने रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग तक सारा का सारा मैकेनिज्म इंडिया में ही शिफ्ट कर दिया था, जिससे इम्पोर्ट ड्यूटी में जाने वाला पूरा कॉस्ट कट हो गया। इनफैक्ट केलॉग्स ने तो अमेरिका से एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट को भी इंडिया में बुलाया, जिससे वो इंडियन फार्मर्स को सही टेक्निक सिखा सके और केलॉग्स को अपनी डिजायर्ड क्वालिटी के रॉ मटेरियल मेनली राइस, व्हीट और कॉर्न मिल सके। अब ये सब करने से केलॉग्स की प्रोडक्शन कॉस्ट ड्रास्टिकली नीचे गिर गई और केलॉग्स अब हर फ्रंट पर रेडी था इंडियन मार्केट को जीतने के लिए, एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ भी इन द फॉलोइंग इयर्स। वेल फ्रेंड्स, वक्त रहते जो केलॉग्स ने सारे बिजनेस चेंजेस किए, उसी के वजह से आज केलॉग्स इंडियन मार्केट में भी ब्रेकफास्ट किंग बन गया है। 2019 में ही केलॉग्स का मार्केट शेयर था एस्टोनिशिंग 70%, और तो और केलॉग्स उन चुनिंदा पैकेज फूड कंपनीज में से है जिसकी डिमांड कोविड टाइम में भी कम नहीं हुई। इंप्रेसिव, राइट? केलॉग्स की स्ट्रेटजी एक टिपिकल एग्जांपल है एक ऐसी कंपनी की जो भारत में पहले फेल हुई, लेकिन फिर अपने विटी आइडियाज से आज वो सक्सेसफुल हो चुकी है। लेकिन एक और कंपनी की कहानी है जो एक टाइम पर भारत पे राज कर रही थी, लेकिन आज उसका नाम कहीं नहीं है। बोला आपने उसके एड सुने होंगे, एक लड़की सफेद फ्रॉक पहन के घूमती रहती है और वॉशिंग पाउडर बनाती है वो कंपनी। यस, आपने सही गेस किया, निर्मा। उसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया कैसे वो अर्श से फर्श पर पहुंच गया। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसे देख सकते हो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेल्फ लाइफ फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।